हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम तुम और जायका में। दोस्तों आज हम तुम और जायका में बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट टूटी फूटी बर्फ़ी, वो भी दो तरीके की, जो बहुत ही इजीली और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगी। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए एक कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल, एक कटोरी पिसी हुई शक्कर और एक कटोरी हमें चाहिए मिल्क पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को एक बॉल में डाल लेंगे। सबसे पहले हम बॉल में डालेंगे मिल्क पाउडर एक कटोरी। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी पिसी हुई शक्कर। अब दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी पिसा हुआ नारियल, इसे भी आप इसमें डाल दीजिए। और अच्छे फ्लेवर और टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ इलायची पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम इन्हें ड्राई पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे दूध। दूध दोस्तों बहुत ही कम कम डालकर, बहुत ही थोड़ा डालकर हम इसका एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं डालेगा, बहुत ही कम, 4-5 चम्मच से हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो डो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से इकट्ठा कर रख दीजिए। ये देख लीजिए, बर्फ़ी के लिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम डालेंगे केसरी कलर, फूड कलर, और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 स्पून हम इसमें डालेंगे दूध। ये देख लीजिए, ये कलर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब जो डो हमने बनाकर तैयार किया था उसका 1/4 पार्ट हम ले लेंगे और उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दोस्तों ये कलर जो हमने तैयार किया था वो हम इस डो के ऊपर डालेंगे और इतने हिस्से को डो के हम अच्छे से कलर के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिला लीजिए और ये देख लीजिए, डो का इतना हिस्सा अच्छा सा केसरी रंग का हो गया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं हो तो आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास दोनों तरीके के डो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, एक कलरफुल और एक विदाउट कलर। अब दोस्तों ये जो विदाउट कलर वाला हमारा जो डो है इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी टूटी फ्रूटी, आप देख लीजिए 3 से 4 चम्मच आप टूटी फ्रूटी इसमें डाल दीजिए और डो को अच्छे से टूटी फ्रूटी के साथ मिक्स कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टूटी फ्रूटी को हमने बहुत ही अच्छे से डो में मिक्स कर लिया है और हमारा टूटी फ्रूटी वाला डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसी बॉल में दोस्तों हम ले लेंगे 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर, 1/4 कटोरी हम लेंगे पिसी हुई शक्कर और 1/4 कटोरी हम लेंगे डेजिकेटेड कोकोनट। इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमें दो तरीके की बर्फी बनानी है दोस्तों, इसीलिए हम ये जो डो है वो चॉकलेट वाला तैयार करेंगे। इसके लिए ये देख लीजिए, हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चॉकलेट सिरप। अगर दोस्तों आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो आप ओरियो बिस्किट या कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, उसे आप इसमें पीस कर डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे दूध और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, चॉकलेट बर्फी के लिए भी हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए आप इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। अब दोस्तों हम इसके ऊपर डालेंगे घी। आप घी से पॉलीथीन को पहले अच्छे से इस तरीके से ग्रीस कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसके ऊपर डालेंगे
केसरी कलर का जो डो हमने तैयार किया था वो, और उसे पहले हम हाथ से इस तरीके से फैला लेंगे और फिर इसे बेलन से इस तरीके से बेलते हुए, हल्का दबाते हुए इस तरीके से हम इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसका स्क्वायर शेप दे देंगे। अब दोस्तों ये टूटी फूटी वाला विदाउट कलर जो हमारा डो है उसे हम अच्छे से पहले हाथ से रोल कर लेंगे आधे हिस्से को। आप आधा डो ले लीजिए और उसे इस तरीके से अच्छे से हाथ से रोल कर लीजिए। इस तरीके से रोल करने के बाद दोस्तों हम ऑरेंज कलर वाले डो वाले हिस्से पे हम इसे इस तरीके से बीच में रख देंगे। अब दोस्तों पॉलीथीन को आप हल्का सा घुमा दीजिए और इस तरीके से रोल करते हुए आप इसे बंद कर दीजिए और फिर हल्का सा रोल करके इसे इस तरीके से खोल लीजिए। ये देख लीजिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर वर्क फॉइल, हम इस पर कोट कर देंगे। अगर आप चाहें दोस्तों ये स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी पॉलीथीन को या उसी पॉलीथीन को फिर से घी से ग्रीस कर लीजिए और इसके ऊपर हम रखेंगे चॉकलेट कलर वाला डो। इसे भी दोस्तों आप अच्छे से पहले हाथ से चपटा कर लीजिए इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा। और अब दोस्तों हम बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। इस तरीके से हल्का जोर लगाते हुए आप इसे बेल लीजिए। और अब हम इसे खोल लेंगे और इसके बीच में रखेंगे बचा हुआ टूटी फूटी वाला डो। उसे आप अच्छे से पहले हाथ से रोल कर लीजिए और इसके बीच में रख दीजिए। अब दोस्तों हम फिर से उसी तरीके से पॉलीथीन को रोल करते जाएंगे। ये देख लीजिए बिल्कुल ऐसे आप पॉलीथीन को फॉइल कर दीजिए और इस तरीके से घुमाते हुए आप इसे हाथ से दबाते हुए रोल कर लीजिए। ये अच्छे से रोल करने के बाद दोस्तों हम इसे खोल लेंगे और इसे भी हम सिल्वर वर्क से अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने कहा ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारी चॉकलेट बर्फी का रोल भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ समय बाद देख लीजिए दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख लीजिए दोनों रोल अच्छे से सेट हो गए हैं। मैं आपको इसे काट कर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए हमारी केसरी कलर की टूटी फूटी बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस दिख रही है। इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट रोल है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छे से ये भी सेट हो गया है। मैं आपको इसे भी काट कर दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से कम चीज़ों के साथ हमने ये वाली बर्फी बनाकर तैयार कर ली है दोनों। साथ ही हमने फ्लेम का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देख लीजिए दोस्तों ये भी बहुत ही आसानी से हम काट पा रहे हैं। खाने में भी ये बहुत ही यम्मी बनी है। ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों इस दिवाली आप भी ज़रूर ये बर्फी बनाइए जो बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने बनाई है, विदाउट फ्लेम बनाई है और बहुत ही फटाफट ये बनकर तैयार हो जाएंगी। आप बताइए दोस्तों आपको ये मेरी इंस्टेंट बर्फी रेसिपी कैसी लगी। अपने सजेशंस और कमेंट्स प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।